दिव्यांग सेवा समाज संस्थान के कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। दिव्यांग सेवा समाज संस्थान उत्तर प्रदेश के दर्जन भर कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्ट्रेट ऑफिस में पहुंचकर अपनी 3 दिवसीय मांगों को लेकर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। दिव्यांग सेवा समाज संस्थान के प्रांतीय अध्यक्ष लईक अहमद ने बताया कि आज डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा, क्या मामला? आज डीएम साहब को हमने अपनी 3 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा, इसलिए कि विकलांग बैंक जाते थे तो शाखा प्रबंधक उनको देखकर हंसते थे, यानी कि उनकी विकलांगता को देखकर हंसते थे और उनको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में कुछ नहीं जानकारी देते थे। तो विकलांगों ने आम के मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बात हुई, तो मैंने लीड बैंक अधिकारी पिछले जो अशोक जी जो थे उनसे मुलाकात करी, तो उन्होंने अशोक जी ने मेरी सूरत देख कर उन्होंने भी मुस्कुराया, लेकिन उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, अब नगर पालिका में जो दुकानें तैयार हुई हैं तो शासन ने विकलांगों को हर योजना में 3% का कोटा लागू कराएगा, तो हमारे वहाँ पिछले 5 साल से विकलांग को कोई दुकान नहीं मतलब निर्माण नहीं हुई है कि जिसने मतलब 6 लाख दे दिए तो उसको दुकान दे दी गई, जिसने मतलब क्या कहते हैं 8 लाख दे दिए उसको दुकान दे दी गई, लेकिन मतलब विकलांग को कोई दुकान नहीं है। जो डिग्री लिए विकलांग ऐसे खाली घूम रहे हैं बेरोजगार, इसलिए आज जो है तो आपको क्या आश्वासन दिया गया? हमें एचडीएम साहब ने आश्वासन ये दिया है कि 3 दिन में ये हम जो है लीड बैंक अधिकारी को बुला के बातचीत करेंगे और आपकी जो है मुद्रा योजना के बारे में फौरन बताएंगे कि जो है इनको जो है इस योजना का इस ऋण का लाभ दिया जाए, और नगर पालिका परिषद को जो है चिट्ठी लागू कर दिए कि ईओ साहब जो है अब विकलांग को दुकान अलग से निर्धारित करेंगे बोली में। तो हमने उन्हें कह दिया है कि एटीएम साहब हम जो है 3 दिन के बाद में अगला जो है कदम जो उठाएंगे वो फिर मुख्यमंत्री महोदय को देंगे, उसके बाद में फिर अनिश्चित कार्यवाही धरना पर बैठेंगे।